हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, टेंसेस। तो यहाँ पर टेंसेस में पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब मेघा डेली रूटीन इन द किचन बाई फिलिंग फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट वर्ब। देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि डेली रूटीन जो आपका होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो इसमें वर्ब में ई या ई एस लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए प्रेजेंट फॉर्म में लिखा भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है? चलिए, पहला क्या है? मेघा मटेरियल लाइक वाटर, टी, मिल्क एंड वेजिटेबल फूड ग्रेन ईटीसी इन हर किचन डेली, ठीक? तो क्या होगा, मेघना जो है, अब देखिए सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस या ई एस लगेगा, तो यूज़ में एस लगेगा, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजेस, यानी कि वो इस सारे सामान को यूज़ करती है। सी डैश द स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, एप्पल बिफोर सर्विंग देम, तो वो क्या करती है, छीलती है, तो छीलने को क्या कहते हैं, पील्स कहते हैं। फिर है थर्ड नंबर, बिफोर सर्विंग देम सी डैश यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम यूजलेस वंस, तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट्स, क्या होगा, सेपरेट, सेपरेट मतलब होता अलग करना, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, सेपरेट्स होगा। फिर है आगे, सी सेपरेट्स पीबल फ्रॉम ग्रेन्स दैट गेट्स मिक्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग डैश, सो सी डैश ऑन द प्रिंसिपल दैट सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, फोन नंबर पे, फोन नंबर पे होगा वर्क्स, क्या होगा, वर्क्स, ठीक है। अब अगला है फाइव नंबर, फाइव नंबर पे क्या है, ऑन द प्रिंसिपल दैट सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस दैट नेसेसरी टू गेट यूजफुल कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है, तो कंटिन्यूअस में आई एन जी आता है लास्ट में, ठीक है, वर्ब के लास्ट में आई एन जी आता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। करिश्मा इज इन हर हाउस डैश सी डैश ऑन द वुडन चेयर, तो क्या होगा, शी है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, इज सिटिंग। फिर है सी डैश ए कोट, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होल्डिंग। अगला है सी डैश इट, तो वो क्या करती है, उसे फिक्स करती है, तो इसे क्या लिखेंगे, इज फिक्सिंग। नाइन नंबर है आपका, राइट नाउ सी डैश करिश्मा, तो ये क्या हो जाएगा, इज़ हेल्पिंग। अगला है टेन नंबर, दे डैश टूगेदर दे बोथ आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे क्या होगा, आर वर्किंग। चलिए इतना हो गया, सेकेंड नंबर भी होगा। थर्ड पे आते हैं, देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों क्या लगता हैज़ और हैव के साथ, क्या लगता है, हैज़ और हैव के साथ आपका लगता है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आई डैश माई ई मेल टू माई फ्रेंड एट, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, हैव नॉट फिनिश्ड, आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड, ठीक है। अगला है ट्वेल्व नंबर, अंकित एंड हिज फैमिली डैश इन यूरोप फॉर 3 वीक्स, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन ट्रेवलिंग, क्या हो जाएगा, हैव बीन ट्रेवलिंग, ठीक है, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोग की बात हो रही है, तो हैव आएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर ट्रेवल के भी लास्ट में क्या आ जाता है, वर्ब में आई एन जी आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाता है। तो फिर है थर्ड नंबर पे, हाउ मेनी डैश ट्रॉफीज डैश सी डैश 3 4 सो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी हैज़ ओन, ठीक है। अगला है 14 नंबर, स्टीवन स्पिलबर्ग इज़ द फिल्म डायरेक्टर ही डैश ए लॉट ऑफ फेमस फिल्म्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज़ मेड, क्या होगा, ही हैज़ मेड। अगला है डी नंबर, सिंपल करेक्ट सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, तो सिंपल पास्ट के भी हैं, तो सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वही आई एन जी फॉर्म में आता है, ठीक है, वॉज या वर लग जाता है आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे आई डैश ऑल आंसर यस्टरडे, यानी कि कल की बात हो रही है, ये बीत चुका है, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। 16 नंबर, माय अंकल हु लिव्स इन द न्यूयॉर्क डैश एंड माय मी ए टी शर्ट बट द रॉन्ग साइज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूयॉर्क से उन्होंने सेंड किया, तो एस ई एन टी सेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वॉज, वॉज रॉन्ग साइज, वो उसकी साइज कैसी थी, रॉन्ग थी, यानी कि गलत थी, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, रश्मि डैश इन द पार्क वेन सी डैश ए वॉलेट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वॉज वॉकिंग एंड फाउंड इन ए वॉलेट। अगला है ई नंबर, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए हमेशा हैड आता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है,
और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता हैज़ हैव बीन आता है, साथ ही साथ वहाँ पे और क्या आता है साथ में जो ING फॉर्म भी आती है वो आपके साथ। तो यहाँ पे 18 नंबर है, देयर वेर नो शॉप्स ओपन इन द विलेज दे डैश डाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड क्लोज्ड। मिसेस कपूर एंड वरीड बिकॉज हर हस्बैंड, तो यहाँ पे क्या हो गया हैज नॉट फोन्ड। 20 नंबर, सॉरी आई वॉज सो लेट नाइट डैश यू अबाउट मी, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हैड और बीन वरिंग। 21 नंबर, माई पेरेंट डैश ए सरप्राइज पार्टी फॉर मी बट माई लिटिल सिस्टर टोल्ड मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड बीन प्लानिंग, क्या हो जाएगा हैड बीन प्लानिंग। 22 नंबर है, वी डैश ओनली डैश फॉर अबाउट 5 मिनट्स वेन द अदर साइड स्कोर्ड गोल, तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैड बीन प्लेइंग, यहाँ पे हैड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैड बीन प्लेइंग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या है चूज द करेक्ट फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम गिवन ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा 23, रीना डैश होम इन टाइम फॉर डिनर टू नाइट, तो यहाँ पे क्या होगा वॉन्ट बी। 24 नंबर है, वॉट डैश द लाइफ डैश लाइक ऑन द अर्थ 2050, तो इसका होगा विल बी। 25 नंबर, वी डैश विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विल स्टे। अगला है 26 नंबर, यू लुक वरीड समीर वॉट डैश यू, तो इसका आंसर होगा इज ट्रबलिंग। द रूम लुक्स वेरी क्लीन दिया डैश इट, तो क्या होगा हैज़ क्लीन, यानी कि रूम क्या है रिया ने साफ कर रखा है। बाय दिस टाइम टुमारो वी डैश रीच्ड मथुरा, तो यहाँ पे क्या होगा विल हैव रीच्ड मथुरा। वी डैश टू फिल द फॉर्म यस्टरडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉरगेट। 30 नंबर, आई डैश वर्किंग फॉर 5 आवर, तो हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, साथ ही मेरा गूगल पे नंबर, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।